सो मॉर्निंग। तो इस वीडियो में जानेंगे आज मुंगेर यूनिवर्सिटी के बारे में अपडेट की, आज का अपडेट क्या है यूनिवर्सिटी का, और इसमें आप लोगों को जो स्नातक पार्ट वन और टू का यानी 20-23 और 19-22 वाले के लिए स्क्रूटनी के लिए रिलेटेड जो भी क्वेरी होगा या तो जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करेंगे। साथ ही आप लोग को बताएंगे कि 2019-22 का जो क्लास संख्या का कल रिजल्ट आया आर्ट्स वाले के लिए, उसमें कितने कैंडिडेट अपियर हुए थे और कितने कैंडिडेट पास हुए हैं, कितने कैंडिडेट फेल हुए हैं। ज़्यादातर कैंडिडेट को प्रमोटेड किया गया है, तो इसका क्या रीज़न है, एबसेंट वाले क्या करेंगे वो सब। तो सबसे पहले होपफुली देखिए, आप लोग को पहले कल नोटिस भी दिखा दिया था हमने, ये जो नोटिस आई थी स्क्रूटनी के लिए और जो एबसेंट वाले थे उनके लिए। तो जो लोग एबसेंट कर गए उन लोग प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर आप लोग एप्लीकेशन सबमिट करें वहाँ पे जाके एप्लीकेशन लिख के। और कुछ लोग बोल रहे थे सर एप्लीकेशन कैसे लिखें, तो एप्लीकेशन देखिए प्रिंसिपल सर को लिखना होता है, वाइस प्रिंसिपल को, वहाँ पे एग्जामिनेशन कंट्रोलर को, तो टू द एग्जामिनेशन कंट्रोलर मुंगेर यूनिवर्सिटी मुंगेर ऐसे करके लिखे होंगे। सब्जेक्ट लिखेंगे कि एग्जाम में एबसेंट कर देने के लिए, एग्जाम देने के बाद भी एबसेंट कर दिया गया, रिस्पेक्टेड सर विद रिस्पेक्ट ऐसे करके, या तो हिंदी में भी लिख पाते तो लिख लेंगे। इसका फॉर्मेट आप YouTube से सर्च करके देख सकते हैं कि हम एग्जामिनेशन कंट्रोल को रीचेकिंग के लिए कैसे एप्लीकेशन लिखें, सब कुछ आ जाएगा आपको YouTube में। तो वही डिटेल सारे यहाँ पे बताई गई कि एप्लीकेशन आप लोग आपको लिख कॉलेज में पहले सिग्नेचर और मुहर मरवा के यानी वेरीफाई करवा के आपको फिर एग्जामिनेशन कंट्रोलर में, यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन कंट्रोलर में जाके सबमिट करना पड़ेगा। तो वही सारे डिटेल्स हैं। और जो लोग रीचेकिंग करवाना चाहते हैं यानी कॉपी को, उनका 200 रुपया एक पेपर का लगेगा, एक सब्जेक्ट का लगेगा, और जिनका अब्सेंट कर दिया गया एग्जाम देने के बाद उनका कोई फी नहीं लग रहा है, इसलिए आप लोग जरूर करवाएं। आइए पहले हम लोग देख लेते हैं कि मुंगेर यूनिवर्सिटी का जो क्लास संख्या का रिजल्ट आया वो रिजल्ट कैसा रहा है, बहुत सारे कैंडिडेट को प्रमोट किया गया उसका क्या रीजन रहा है। तो मुंगेर विश्वविद्यालय ने शनिवार को सत्र 2019-22 स्नातक पार्ट टू के क्लास संख्या का परिणाम जारी कर दिया है यानी आर्ट्स वाले के लिए। इसमें कुल 14,815 कैंडिडेट, 14,815 परीक्षार्थी उत्तीर्ण और 21,000, देखिए यहाँ पे 21,084 प्रमोटेड हुए हैं, यानी मैक्सिमम कैंडिडेट को प्रमोट किया गया है। तो 21,084 कैंडिडेट को प्रमोट किए गए हैं तथा 661 कैंडिडेट को परीक्षा में अनुपस्थित रहने के कारण अनुत्तीर्ण किया गया, यानी पास नहीं किया गया, प्रमोट कर दिया गया यानी कि फेल कर दिया गया। तो देखिए ये लोग कैंडिडेट जो लोग एब्सेंट कर दिया है जिनका एग्जाम देने के बाद भी, उसमें भी ये लोग शामिल हैं। अनुत्तीर्ण है। क्लास संख्या के रिजल्ट की TR कॉपी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। हाँ अपलोड कर दी गई, इस बार पहली बार ऐसा हुआ आर्ट्स वाले के साथ कि पहले TR कॉपी ऑफिशियल वेबसाइट पर PDF आ गई और बाद में न्यूज़ पे आ रही है, कर दी गई है। MU के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर रामाशीष पूर्वे ने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक पार्ट टू के क्लास संख्या का रिजल्ट जारी कर दिया गया, जिसमें कुल देखिए टोटल कितना अपियर हुए थे कैंडिडेट, 36,560 कैंडिडेट ने टोटल एग्जाम दिया। परीक्षार्थियों में से 14,815 कैंडिडेट को पास किया गया है पूरी तरह से और 21,084 कैंडिडेट को प्रमोट किया गया, यानी इतने कैंडिडेट को फिर से एग्जाम फी देना पड़ेगा और एग्जाम फिर से देना पड़ेगा, तो प्रमोट हुए हैं। वहीं बात करें तो 661 कैंडिडेट को अनुपस्थित रहने के कारण फेल कर दिया गया है। अनुत्तीर्ण, उन्होंने बताया कि रिजल्ट का TR MU की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया, जबकि सभी कॉलेज को भी TR की कॉपी उपलब्ध करा दी गई। बता दें कि विश्वविद्यालय द्वारा 20 मई से 3 जून के बीच स्नातक पार्ट टू के ऑनर्स विषयों की परीक्षा ली गई, जबकि 6 से 30 जून के बीच सब्सिडरी विषयों की परीक्षा ली गई, जिसके बाद विश्वविद्यालय द्वारा सितंबर माह के आरंभ में ही पार्ट टू के बानी संकाय का रिजल्ट जारी कर दिया गया था, जबकि 4 दिन पूर्व ही विज्ञान संकाय का रिजल्ट जारी कर दिया गया और अब कला संकाय का भी रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो अच्छी बात है कि रिजल्ट आ गई है, इसमें कैंडिडेट 36,000 कैंडिडेट थे। यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा कैंडिडेट होता है, उनके लिए अपने लिए हम ऐसे तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसलिए ये रिजल्ट आ गई तो बहुत अच्छी खुशखबरी की बात है। अब जो लोग एबसेंट हो गए हैं, जिनका कॉपी में मार्क्स अपने अनुसार नहीं मिला, अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं, यदि आप अच्छे से कॉपी चेक किए हैं कि आपका मार्क्स बढ़ेगा या मरेगा तो ज़रूर लगाएं, और नहीं तो फिर यदि आप अच्छे से चेक नहीं किए हैं तो आपका मार्क्स नहीं बढ़ सकते, तो फिर लगाने से फ़ायदा नहीं होगा। यदि आपका मार्क्स बढ़ जा सकता है तो ही बढ़ेगी। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर लगा देंगे तो मार्क्स बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो ज़रूर बढ़ेगी मार्क्स यदि आपका सही होगा तो, और नहीं सही होगा तो नहीं बढ़ेगी। जहाँ तक क्वेरी है कि कम होने की, कि सर TR यदि रीचेकिंग में लगा देंगे तो मार्क्स कम भी हो सकती है क्या, तो कम ना के बराबर चांस होती है, 99.9% आपका मार्क्स डिक्रीज नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने एक बार चेक किया तो अच्छे से ही चेक किया होगा, नहीं चेक तो उनका मार्क्स घटेगा नहीं, क्योंकि यदि कम करते हैं तो फिर उन्हीं पर सवाल उठेगा कि आप पहले कैसे गलत चेक किए हैं।
तो यहाँ पे स्क्रूटनी को लेके, डिटेल यहाँ पे वही सारा है जो कि उसमें कल आपको नोटिस में बताया गया था कि कैसे आपको करना है। तो आप लोग जरूर कीजिएगा और जो भी क्वेरी होगा जरूर कमेंट कीजिएगा। आप लोग जिनका भी एब्सेंट कर दिया उनको तो कंफर्म अब हो गई है, यदि बिना फी का भी ये लोग करवा रहे हैं, यानी आपको पास ही किया जाएगा। जितना भी मार्क्स होगा आपका कॉपी री चेकिंग किया जाएगा और अच्छे से, यानी आपने सिग्नेचर भूल गए या किस डेट में एग्ज़ाम दिया था वो सारी चीज़ें भूल गए, फिर भी आप रिकॉल कीजिए और उस एप्लीकेशन में दर्शाइए कि हमने इतना तारीख को एग्ज़ाम इस विषय का दिया था। रूटीन से निकाल के भी देख सकते हैं आप और फिर जरूर डालिए। और जो जिनका मार्क्स बढ़ सकता है, जिनका मार्क्स कम दे दिया गया है और अच्छे से कॉपी आप जानते हैं, चेक कर लिए हैं, मिला लिए हैं, तो आप लोग भी जरूर से ज़रूर अप्लाई कीजिए। और देखिए पार्ट थ्री में एडमिशन की बात कर रहे थे, तो देखिए पार्ट थ्री में जो एडमिशन है अभी थोड़ा समय लगेगा क्योंकि कॉपी रीचेकिंग में जा रहा है, 1 अक्टूबर तक यही होना है फिर। लेकिन हाँ, आप लोग को दुर्गा पूजा के बाद छठ पूजा के बीच लगभग लगभग समय में पार्ट थ्री में एडमिशन ले लिया जाएगा। और जो पार्ट टू में एडमिशन लेना है पार्ट वन वाले के लिए, उन लोग का भी एडमिशन इसी समय में, दोनों का साथ ही एडमिशन चलेगा और एडमिशन ले लिया जाएगा और जल्द से जल्द एग्जाम करा के आप लोगों को भी पास कर दिया जाएगा। तो इसी तरह का अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।